my support is there with the but, comment on what is happening jo mera band hai. After hearing then I'll be able to answer this question properly. और जब तक मैं सिर्फ क्रिकेट के ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस देख रहा हूँ, मैं सब सारे मैचेस देख रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब कितना मज़ा आ रहा है पाकिस्तान का परफॉर्मेंस कल छोड़ के? काफ़ी अच्छा रहा है. बहुत अच्छा खेल रहे हैं. थोड़ा सा फील्डिंग में मैं समझता हूँ कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेनी पड़ेगी सबको. और अभी भी पाकिस्तान टीम के पास चांस है पूरा जो उसको अवेल करें. टू मैचेस हैं और बस ट्राई करें हम दोनों मैचेस को. यू नो द टफ कोर्स यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द बैन एंड दैट विल बी डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली ओवरकम दैट. अगर जल्दी हो जाएगा तो आपका आपका प्लान्स क्या है उसके बाद? उसके बाद मेरी क्रिकेट प्रैक्टिस और ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स जारी है और ऐसा नहीं कि अगर बैन हटेगा तो मेहनत करना पड़ेगी या ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है मेरी बात चल रही है और वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है. आई मीन हाउ सून यू आर एक्सपेक्टिंग द रेजोल्यूशन? वेल माय हियरिंग जो है वो 22nd को ऑफ दिस मंथ और उसके बाद ही पता चलेगा. योर ट्रेनिंग हैदराबाद आल्सो, हाउ डज द पीसीबी सस्पेंशन मीन दैट यू कैन नॉट प्ले डोमेस्टिक? Well, I only cannot play international cricket. Otherwise, I can play county cricket. I can play any sort of cricket except international cricket. और वो भी जब तक hearing है तब तक. उसके अलावा international cricket के अलावा मैं सब type की cricket खेल सकता हूँ. In fact, I've played for I think 2 months back, 1 month back. अलग मतलब पाकिस्तान के जो board है कितना justified है, जैसे कि आपके ऊपर जितना negative view जो इल्जाम लगे आए थे उसमें कुछ जस्टिफिकेशन तो नहीं है सब जानते, लेकिन आप क्या समझते हैं? मैं बिल्कुल इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता. इनफैक्ट आई हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान फ्रॉम द पास्ट 11 इयर्स, सो इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता. हर एक की अपनी थिंकिंग होती है और जब हियरिंग होगी, जब केस चलेगा उसके बाद ही जो सच है वो सामने आ जाएगा. हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट पर से यू नो एक रिजुनेटेड परफॉर्मेंस की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए. अब वकार और इज़ा जो कोचेस है उसके बारे में क्या कहेंगे? दोनों कोचेस जो हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं. दे आर एक्सपीरियंस्ड और आई एम श्योर दे आर हेल्पिंग और उन्होंने जितना क्रिकेट खेला वो ज़रूर जो उनका तजर्बा है वो अपना वो जितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको सबको देंगे और आई एम श्योर इट विल हेल्प देम. अभी शायद अफरीदी के बारे में भी कहा जा रहा है कि यू नो ही कैन बी अ फुल टाइम पाकिस्तान कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट्स. आप अगर मेरे आपने इंटरव्यूज देखे हों तो आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दिस, बट एज़ फार एज़ हिज क्वालिटीज ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाय इन आवर टीम और क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर